मणि जैसे ही सत्राजित को दी और पूरा वृतांत बताया, अब सत्राजित कायर हो गया कि मैंने परमात्मा पर, कृष्ण पर आरोप लगाया है। पूरे नगरवासी पीछे लगे, देखो कितने अच्छे भगवान थे, कृष्ण थे, और कृष्ण पर भी आरोप लगाया है, इसे शहर से ही भगा दो, निकालो शहर से। चारों तरफ जब शोर होने लगा, उसको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिली, परमात्मा के चरणों में रोने लगा, प्रभु मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। भगवान ने समझाया कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। कौन है काहू सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म में भोग सब पाता। इसमें तुम्हारा दोष नहीं, मेरी गलती है। जो बादो मास में चौथ के चंद्रमा के दर्शन कर लेते हैं, उन्हें एक साल के अंदर कोई ना कोई झूठा आरोप लगता है। राधे राधे, भगवान ने कहा मैंने चौथ के चंद्रमा के दर्शन किए, और जो इस कथा को सुन लेते हैं उनका दोष भी दूर हो जाता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। इसमें तुम्हारी गलती नहीं, नहीं महाराज मैं नहीं मानता, क्षमा करो, क्षमा करो। कैसे मानोगे कि मेरी बेटी है सर्वगुण संपन्न सत्य भामा, अगर तुम इसे अपनी दासी बनाए सेवा दें तो समझूंगा कि परमात्मा ने मुझे क्षमा कर दिया। सत्य भामा परमात्मा को बहुत चाहती थी, भगवान कृष्ण ने कहा देखो हमारे आमने सामने का रहना है और ये बात अच्छी नहीं है, सब क्या कहेंगे, परंतु अब तो सत्य भामा ने भी कह दिया प्रभु अब तो मेरे पिताजी ने भी हाँ कर ली है, अब तुम मना क्यों करते हैं, और जबरदस्ती बिना पूछे ही महलों में प्रवेश कर गई। और परमात्मा ने सत्य भामा के साथ भी धूमधाम से विवाह रचाया है। इस प्रकार मेरे कन्हैया की शादी हो गई। जोर से बोलो ना, तीसरी या दूसरी है, तीसरी शादी है। सूर्य की बेटी है कालिंद्री, नारद जी मिले और कहा बेटी पति बनाना है तो परमात्मा को बनाओ, जो यहां भी सुख देता है परलोक में भी सुख देता है, जो आनंदी आनंद है, जिनका नाम ही सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, जो समस्त प्रकार के पापों को कष्टों को दुखों को दूर करते हैं, जिनके दर्शनों से वंश धन्य हो जाता है, क्षेत्र धन्य हो जाता है, कल्याण ही कल्याण हो जाते हैं, आनंद की सरताएं बहने लगती हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा कृष्ण को पति बनाना। नामदान दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप दे दिया, यमुना की तलैटी में बैठकर सूर्य की बेटी कालिंद्री तप करने लगी, कठोर तप किया। कछु दिन भोजन वारे वतासा किए कठिन कछु दिन उपवासा, किसी दिन तुलसी दल से व्रत रख रही हैं, किसी दिन जल से रख रही हैं, किसी दिन फलों से रख रही हैं, किसी दिन कभी मीठा व्रत रख रही हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र का जाप करती हैं। मेरे प्रभु तो अंतर्यामी है, सबकी भावना को जानते हैं। अर्जुन को साक्षी बनाकर, सारथी बनाकर और यमुना की तलैटी में पहुंच गए, जिधर वो कन्या तप कर रही थी। अर्जुन ने कहा प्रभु ये कांत में कौन देवी बैठी है? कन्हैया ने कहा भैया लग तो रहा है, चलो नजदीक चलें, कि नहीं तुम रथ में ही बैठो, मैं जाता हूं। अर्जुन रथ को रोककर भगवान को रथ में बैठा कर ही पैदल गए और देवी से बोले देवी जी राधे राधे। आज की तो बात है बिल्कुल मत बोलो, हाँ बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, और जय जय श्री राधे शाह। देवी आप कौन हैं? भैया मैं सूर्य की बेटी हूं, कालिंद्री मेरा नाम है, कन्हैया से शादी करने के लिए, प्रभु से विवाह रचाने के लिए मैं तप कर रही हूं नारद जी के आग्रह पर। अर्जुन ने कहा ये रथ में देखना कई कौन है, कई वही हैं जिनके लिए तुम तप कर रही हैं। कालिंद्री ने कहा भैया हाथ जोड़कर बोल रही हूं तुम्हारे एहसान को मैं इस जीवन में क्या 7 जन्म तक नहीं भूल पाऊंगी, कैसे भी आप मेरा विवाह इनके साथ करा दो। कि देवी जी चिंता मत करो, आप ऐसा करना एक माला बनाकर तैयार कर लो, मैं तुम्हारे पास लाऊंगा, यहां आसन बिछा कर रखना, तुम्हारे पास बैठा दूंगा, तुम्हारी तरफ इशारा करूंगा, तुम माला डाल देना, मैं ताली बजा दूंगा और शादी पक्की। बेचारी गई कहीं से फूल, कहीं से घास, कहीं से तिनका जैसे लेकर बेल पत्र, जैसे तैसे एक माला जैसी बनाई, आसन बिछा दिया, बोरी का आसन बिछा कर
और तुरंत भगवान कृष्ण को अर्जुन लेकर आए और बैठाया और कहा, प्रभु देखो कितनी सुंदर कन्या है, कितने सुंदर भजन सुनाती है, कितना सुंदर नृत्य करती है, मीठी मीठी बातों में कन्हैया जी को ले आए, आसन पर बैठा दिया, पीछे माला रख रखी थी छुपाकर कालिंद्री ने। और जैसे ही अर्जुन ने इशारा किया, कालिंद्री ने माला पीछे से उठाकर और भगवान के गले में डाले दी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अर्जुन ने ताली बजा दी। भगवान बोले, अर्जुन क्या हुआ कि महाराज ये तुम्हारी चौथी शादी है? और राम राम राम, ऐसी शादी नहीं होती, मैं ऐसी शादी नहीं मानता। पता लगती है, कोई बताता है, कोई कहता है कि नहीं महाराज शादी हुई है कि नहीं, ऐसे शादी नहीं होती। अरे महाराज कैसे होती है शादी? माला डली है, यमुना मैया देख रही है, आकाश देख रहे हैं, पृथ्वी माता देख रही है, वायु देवता देख रहे हैं, और मैं साक्षी हूं, मैंने ताली बजाई है कि नहीं 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 ऐसे शादी नहीं होती है। अर्जुन बोले, महाराज यहां तो बैठकर आराम से शांति से माला पड़ी है, रुक्मणी को लेकर आएगा, माला पड़ी तुम्हारी है, तुम्हारी शादी पक्की? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। भगवान ऐसे करने लगे। अर्जुन बोले, देवी आप बुरा मत मानना इनकी बात को, ये ऊपर से मना करते हैं, अंदर से मना नहीं करते। तुम रथ में बैठो। रथ में बैठा कर रथ को फाटक के पास जाकर रोक दिया और आवाज लगाई, प्रभु आप आ रहे हैं या हम रथ को लेकर जाएं? भगवान कृष्ण बोले, कोई बात नहीं, मुझे भी बैठा ले चलो। फिर रथ में बैठा कर ले गए। धूमधाम से रुक्मणी का विवाह द्वारकापुरी, सूर्य की बेटी कालिंद्री का विवाह द्वारकापुरी में धूमधाम से हुआ है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। उज्जैन के राजा हैं अनुमिंद, उनकी बेटी का नाम है मित्रविंदा। दुर्योधन के अनुयायी थे, दुर्योधन के साथ बेटी का विवाह करना चाहते थे, परंतु मेरे परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से मित्रविंदा नारद जी के आग्रह में आई, सानिध्य में आई, और नारद जी महाराज ने कहा, बेटी, नारद जी जिसको भी मिलते थे विशेष बात थी, नारद जी ऐसे गुरु थे जिसको भी मिलते थे उसे परमात्मा जरूर मिलते थे, वो ऐसी भक्ति बताते थे, ऐसा रास्ता बताते थे, सरल सहज, बच्चा है तो बच्चों जैसा, बड़े हैं तो बड़ों जैसा, ज्ञानियों को ज्ञानियों जैसा, सबको उस रास्ते पर लगाते थे, परमात्मा की भक्ति के रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर, आनंद के रास्ते पर। जैसे ही दुर्योधन की बारात आई, मित्रविंदा परमपिता परमात्मा की बहुत ही भक्ति करती थी, ईश्वर के लिए रोती थी, परमात्मा का स्मरण कीर्तन वजन करती थी। मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नैन वैनीरा कामे आदि मध्य दम में जाके तात निरंतर वश में जाके कृष्णा वासुदेवाय हरे परमात्मा ने प्रणित क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कभी रोने लगती थी, कभी हंसने लगती थी, मीरा जैसी भक्ति करती थी। परंतु दृढ़ निश्चय यह था, प्राण तो त्याग दूंगी पर कृष्ण के सिवा किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी, किसी के शरीर को अपने शरीर से स्पर्श नहीं होने दूंगी। जबरदस्ती परिवार ने माला डालने के लिए खड़ा कर दिया। मित्रविंदा के अश्रुपात हो रहे हैं, रो रही है, व्याकुल हो रही है, हर आंसू की बूंद में परमात्मा कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं, कृष्ण से ही रटना लगी हुई है। जैसे ही माला डालने के लिए तैयार हुई, जबरदस्ती हाथ उठवा दिया और मेरे प्रभु दुर्योधन के सामने प्रकट हो गए। बोलो बांके बिहारी लाल की। और मित्रविंदा ने बिना पूछे ही भगवान के गले में माला डाल दी है और जबरदस्ती रथ में बैठार कर ले गए। वहां युद्ध हुआ है, सबको पराजित किया और परमपिता परमात्मा ने मित्रविंदा के साथ कौन सी शादी है? हाय रब्बा, शादियों को पार्टियों को नहीं भूलते हैं, चाहे कुछ भी भूल जाए। नागजीत की बेटी है सत्या, कौशल देश के राजा है नागजीत, उनकी बेटी का नाम है सत्या। राजा ने स्वयंवर रचा, जो सात बैलों को एक साथ नाथ देगा, मैं अपनी बेटी सत्या का विवाह उनके साथ कर दूंगा। बड़े बड़े राजा महाराज आते हैं, किसी पर भी एक साथ सात बैलों को नहीं नाथा गया। वो भी भगवान कृष्ण की दीवानी थी सत्या। परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण आए, सातों बैलों को सात रूप धारण करके नाथ दिया और सत्या ने भी बिना पिता के पूछे
भगवान के गले में माला डाली, रथ में बैठकर पहुंची द्वारका और धूमधाम से शादी हुई है। भगवान कृष्ण एक बार अपनी बुआ के यहाँ गए, राधे 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 राधे, और देखिए मेरे कान्हा बड़े सुंदर हैं, सुशोभित हैं, उनसे सुंदर कोई है ही नहीं। बुआ की बेटी है भद्रा, और दोनों के सेन में टक्का हो गए जी, राधे 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 राधे, और कहने लगी कृष्ण शादी करूंगी तो तेरे साथ करूंगी। कन्हैया बोले राम राम राम, ये तुम क्या करेंगे, बुआ की बेटी है, पाप लगेगा, ऐसा नहीं बोलते हैं, अगर तुम मना कर दे तो मैं आत्महत्या कर रही हूं, मर रही हूं, मैंने तो दृढ़ निश्चय कर लिया है, पहली नजर में ही आपकी हो चुकी हूं, मैं आत्महत्या कर रही हूं। परमात्मा ने बहुत समझाया, जो आत्महत्या करते हैं उन्हें कभी मानव शरीर मिलता नहीं है, प्रेतियोनि में जाना पड़ता है, बहुत पीड़ा, बहुत कष्ट, बड़ी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, ऐसा सोचना भी महापाप है, करना तो है ही है, सोचना भी महापाप है आत्महत्या के लिए। इसलिए जीवन में याद रखें, ऐसी बात सोचना भी गलत है और पाप लगेगा। भद्रा बोली कन्हैया मुझे पाप नहीं लगेगा, पाप लगेगा बोलो ना आपको, क्योंकि बचाने वाले भी आप हैं और मारने वाले भी आप हैं, चाहे तो आप बचाओ और चाहे आप मारो, हां करते तो बच जाऊंगी, मना करेंगे तो मर जाऊंगी। बिल्कुल जब देख लिया परमात्मा कृष्ण की दृढ़ निश्चय कर लिया है, मरने के लिए तैयार है, मेरे कान्हा ने कहा भद्रा आप बहुत बड़ी सौभाग्यशाली हैं, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी संत पापात्मा देवतागण ऋषिगण मेरा ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, साधनाएं करते हैं, फिर भी मैं उनके ध्यान तक नहीं पहुंच पाता, जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम कह आवत नाही, और आज बहुत बड़ा सौभाग्य आपको प्राप्त है जो ऐसा अवसर तुम्हें मिला है। कोई बात नहीं, जब ऐसी बात है महीना दो महीना दो चार महीना चर्चा चलेगी, फिर सब मामला शांत हो जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भगवान कृष्ण भद्रा को भी द्वारका में लाए, धूमधाम से उनके साथ भी विवाह हुआ है। मध्य प्रदेश के राजा लक्ष्मणा, उनकी बेटी का नाम लक्ष्मणा था, परमात्मा उनका भी हरण करके लाए और उनके साथ भी भगवान का धूमधाम से विवाह हुआ है। इस प्रकार मेरे कान्हा की शादी हो गई, कितनी 8 हो गई। हाँ तुम भी पूरे कृष्ण का नहीं आए, भगवान की 8 शादी हो गई हैं। एक बार नारद जी महाराज भगवान के दरबार में पहुंचे, प्रभु आपका जन्म आपका प्राकट संतों की रक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए, कन्याओं की रक्षा के लिए हुआ है, और आपके होते हुए 16,100 कन्या जेलों में बंद हैं। बहुत बड़ा एक राक्षस था भौमासुर, उसका एक शौक था राजाओं से युद्ध करता, उनका धन नहीं लूटता है, दौलत नहीं लेता है, उनकी कन्याओं को लेता है, जेलों में बंद कर देता है। उसका शौक था जिस दिन ही 20,000 हो जाएंगी इनके साथ एक साथ शादी करूंगा, दूल्हे में अकेला रहूंगा और पत्नी होंगी, दुल्हन होंगी 20,000। परंतु पाप का घड़ा पहले ही भर चुका है। नारद जी ने जाकर प्रभु से कहा, परमात्मा ने कहा नारद जी आपने मुझे पहले नहीं बताया, अब मैं भोजन तब करूंगा, उन कन्याओं को जेलों से मुक्त कर दूंगा। परमात्मा भौमासुर के पास गए, भैया भौमासुर राधे 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 राधे, पीछे से भी राधे 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 राधे। हाँ भौमासुर, हाँ क्या बात है, कि भैया देख धर्म कहता है हमारी गौ माता में 33 करोड़ देवता निवास करते हैं, संपूर्ण सृष्टि गौ माता में निवास करती है, संपूर्ण देव गौ माता में निवास करते हैं, और जब 100 गौ इस पृथ्वी से जाती हैं तो उसके बदले एक कन्या उत्पन्न होती है, इसलिए कन्या बहुत ही पूजनीय है। किसी भी जाति किसी भी धर्म किसी की भी कैसी भी कन्या क्यों ना हो, फिर भी वो सर्वत्र पूजनीय योग मानी गई है, और शास्त्र तो ये कहते हैं कि कितनी बड़ी भी गलती क्यों ना कर दे फिर भी क्षमा के योग मानी गई है। और जो गलती परमात्मा ने कहा अनजाने में हो जाती है,
उनको मैं क्षमा कर देता हूं, और जो जानकर गलती करते हैं उनको मैं कभी क्षमा नहीं करता हूं। कोई नहीं, गलती इंसान से ही होती है। गलती होने के बाद, ठोकर लगने के बाद भी अकल आ जाए, क्षमा याचना मांग ली जाए, तो उसको गलती नहीं कहा जाता। सुबह का गया हुआ शाम को घर वापस आ जाए, बोलो ना, उसे हाँ तो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। आप ऐसा करो, इनको जेलों से मुक्त कर दो। बहुमा सुर हंसने लगा, अच्छा ये बात है, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। दूसरे को ज्ञान दे रहा है, अपनी तरफ देखता नहीं है। जो तूने आठ पत्नी बना रखी हैं, वो भी तो कन्या थी। हमको ज्ञान दे रहा है, अपनी तरफ देख नहीं रहा। चल चल यहां से लंबा पड़। तेरे जैसे उपदेश देने वाले हमने बहुत देखे हैं। हम समझ रहे हैं तेरी चाल को, हम तेरे मकसद को अच्छी भांति समझते हैं। तेरी इच्छा है यहां से इन्हें जेलों से निकाल कर ले जाऊं, और जो जो अच्छी लगेंगी सबको वृंदावन लेकर जाना चाहते हैं। राधे राधे। राधे राधे। मना कर दिया भाई। भगवान ने बहुत समझाया, पर मेरे प्रभु ने भी सोचा, लातों के भूत बातों से मानते नहीं हैं। बौमासुर से युद्ध किया, 17-18 दिन युद्ध चला, बहुत बड़ा राक्षस था। भौमासुर का उद्धार किया है, 16,000 सौकन्याओं को जेलों से मुक्त किया है। भगवान ने निवेदन किया, देवियों भावी वश ऐसा दुख आपको प्राप्त हुआ है, आप शोक न करें, डरने करें, भय न करें, आप स्वतंत्र हैं। आप अपने अपने घरों को जाओ, पिता के जाओ या पति के यहां जाओ, जहां भी चाहे आप जाना चाहें वहां जा सकती हैं। रोने लगी, महाराज हम क्षत्रियों की बेटियां हैं, और हमारे धर्म की कुल की रीत रिवाज है, पहले बहुत सख्त नियम होते थे परिवार के, कि एक भी रात्रि कोई लड़की औरत घर से बिना बताए घर से बाहर अगर रह जाती है तो फिर उसको घर में नहीं घुसने दिया जाता था, उसको पवित्र की श्रेणी में डाल दिया जाता था। अब परिवार वाले हमको मार देंगे, जला देंगे, अब दुनिया में हमारे सारे रास्ते बंद हैं। और प्रभु हमने सुना है, जब सारे दुनिया के रास्ते बंद हो जाते हैं तो आपका रास्ता तो फिर भी खुला रहता है। प्रभु आप कृपा करें। भगवान बोले, मैं समझा नहीं क्या कर रहे हैं, कि हम आपकी सेवा करना चाहती हैं, दासी बनना चाहती हैं, आपसे विवाह करना चाहती हैं। भगवान बोले, राम राम राम, ये तुम क्या कर रही हैं? मैंने इसलिए आपको जेल से मुक्त नहीं किया। तुम चाहे कहीं भी जाओ, हम चाहे कहीं भी जाएं, नारद जी के कहने से मैंने जेलों से मुक्त किया है। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं कि मैं तुम्हें साथ लेकर चलूं, कि नहीं महाराज हम साथ चलेंगे। नारद जी ने उनके कानों में कह दिया। ये ऊपर से मना करते हैं, अंदर से मना नहीं करते। और जब मना करें तो नाचने लगना, भजन गाने लगना, कीर्तन करने लगना, इनको बहुत प्रिय है। मेरे काना को नाचना गाना भजन कीर्तन, ये बहुत ही प्रिय है। परमात्मा को प्रसन्न करने का नारद जी ने उपाय बता दिया। अगर इनकी कृपा लेना है, वरदान लेना है, इनको अपना बनाना है, तो नाचने लगना, गाने लगना, और सबको कहेंगे सब चलो द्वारका। सभी नाचने लगे, गाने लगे, परमात्मा के कृष्ण को बीच में ले लिया और कहा, लगन तुम से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। हरि बोल। काली जमी यहाँ से डरते थे जो छुप छुप याद करते थे। काली जमी यहाँ से डरते थे जो छुप छुप
याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे, जो छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे। एहसास टीवी के कार्यक्रम को आगे देखने के लिए आप लॉग ऑन करें www.ehsastv.com पर। वीडियोकॉन D2H के लिए 484 नंबर पर देख सकते हैं, सिटी पे 88 नंबर पर, हैथवे पे 827 नंबर पर, डेन पे 863 नंबर पर और फास्टवे के 415 नंबर पर अब आप अपना एहसास टीवी चैनल देख सकते हैं।